नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करेंगे, सुबह बाजार ओपन कैसे हो सकता है और इम्पोर्टेंट लेवल क्या होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ट्रेडिंग आइडिया क्या हो सकता है, इन सबके ऊपर वीडियो में डिटेल बात करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं और पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी से। देखिए बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई टेस्ट कर लिया और ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के बाद डोजी जैसे कैंडल के साथ क्लोजिंग आया है। एक डोजी जैसे कैंडल के साथ जरूर क्लोजिंग है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है क्योंकि जैसे ऑल टाइम हाई यहाँ पर गया था, इसके बाद बाजार यहीं से धीरे धीरे करके नीचे आया, ठीक है, और अच्छा खासा नीचे आया। बट अभी मुझे लगता है कि ये बहुत स्ट्रांग है और ये बुलिश है, ठीक है, अपर साइड में मूवमेंट करना चाहिए। एक इसका इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर बनेगा और बहुत स्ट्रांग सपोर्ट होगा 48,150 के आसपास। अगर ये थोड़ा डीप मिलता है, नीचे मिलता है, तो इसमें बाई का प्लान करेंगे, ठीक है। आज मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी था, मैंने बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी दोनों में ट्रेड प्लान किया था, अभी डिटेल बात करते हैं। लेकिन इसमें दोपहर में एक बहुत बड़ा डीप आया था और ये तो बैंक निफ्टी का बाप निकला, ठीक है। बैंक निफ्टी हम लोग देखते हैं 300-400 पॉइंट का डीप आता है, ये 10,000 का इंडाइसेस, ठीक है, लगभग 230 पॉइंट का डीप आया था इसमें। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें जितने लोग स्टडल स्ट्रेंगल प्लान करते हैं उन लोगों को पैसा मिला होगा, मैंने भी प्लान किया था, ठीक है, अभी इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ना निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। और जिस समय डीप आया ना, इसी समय बैंक निफ्टी में भी आया, इसी टाइम पे निफ्टी में भी आया, कुछ ना कुछ हुआ होगा ऐसा मुझे लगा। तो मैं पहले प्लान क्या किया था इसके ऊपर पहले डिटेल बात करता हूँ, 5 मिनट का चार्ट है फ्रेंड्स। तो जैसे कल हम लोग डिस्कस किए थे कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, ये ओवरबॉट में है, आरएसआई में ओवरबॉट में है, ठीक है। तो अगर इसी वे में ऊपर जाएगा तो ट्रेड प्लान करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग अवॉइड करेंगे। लेकिन हाँ, जैसे ऑल टाइम हाई टेस्ट करता है, एक बार हम लोग शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास ही ओपन हुआ, मैं तो शॉर्ट नहीं किया, मुझे लगा कि मार्केट बुलिश है और निफ्टी थोड़ा आज बैंक निफ्टी से ज्यादा बुलिश लग रहा था, तो मुझे लगा कि पहले नीचे आ जाए तो मैं इसमें पुट शॉर्ट करूं। मेरा व्यू था कि यहां तक आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा नीचे आ जाए 300 के आसपास या 400 के नीचे आ जाए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा था, तो मैंने इसी जगह से पुट ऐड किया स्लोली। मैंने आप लोगों को भी ट्रेड में बताया था टेलीग्राम चैनल में कि स्लोली ऐड करना, अगर मल्टीपल क्वांटिटी में ट्रेड करते तो कुछ क्वांटिटी यहाँ ऐड करो, कुछ इधर ऐड करो। इधर तो नहीं आया, वापस गया, मुझे लगा इसी वे में चले जाएगा, नहीं गया, फिर वापस आया, मैंने फिर से ऐड कर लिया क्योंकि एक तरीके से डबल बॉटम जैसा लग रहा था इंट्राडे के लिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे ऊपर चला गया, ये मेरा व्यू था। जैसे ऑल टाइम हाई टेस्ट कर रहा था, डे हाई टेस्ट कर रहा था, मैंने फिर से कॉल सेल कर दिया, ठीक है। और मैंने बताया था जैसे लगभग मैं इसमें 48,000 का पुट सेट किया था, ओटीएम सेल किया था, ठीक है, 105 के आसपास, 110 105 में मैंने सेल किया था और ऊपर गया था, तो मैं यहाँ पर फिर कॉल सेल कर दिया था क्योंकि इसका भाव आ गया था 70 के आसपास, तो मैं अगेन 80 के आसपास का कॉल सेल कर दिया था 48,000 का। थोड़ा ऊपर जरूर गया था लेकिन मुझे लगा था कि इतना ही ऊपर नहीं जाएगा, हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद ये डीप आया नीचे की तरफ, ठीक है, इस तो फिर देखिए इसी रेंज में क्लोजिंग कर गया है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी वीक है। हाँ, नीचे से जरूर आपको बाई दे सकता है, तो कल हम लोग वेट करेंगे, नीचे से अगर मिलता है तो हम लोग इसे बाई का प्लान करेंगे। नेक्स्ट डे एक्सपायर हो जाएगा और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी सेम डे में होगा, ठीक है, वेंसडे को, क्योंकि थर्सडे को छुट्टी है। अब वापस आते हैं हम लोग निफ्टी में। देखिए इसी टाइम में निफ्टी में भी डीप आया था और जितने लोग मेरे साथ लाइव ट्रेड कर रहे थे, जब ये मूवमेंट कर रहा था ना ऊपर की तरफ जा रहा था, मैं सबको बता रहा था कि अभी ना एक डीप आएगा इसमें, आप बिलीव नहीं करेंगे, जितने लोग लाइव ट्रेड करते हैं उन लोगों को पता होगा कि एक डीप आएगा, उसी में पुट शॉर्ट कर देना। अगर इधर आप धीरे धीरे कॉल सेल कर रहे हैं ओटीएम का, या फिर मैं उन लोगों को सजेस्ट कर रहा था कि यहां पर अगर मैं निफ्टी में ट्रेड प्लान करता आज तो 22,800 का कॉल सेल करता, लगभग 40 रुपए के आसपास मिल रहा था, ऊपर गया था 50 के आसपास भी मिला होगा, एक डीप आएगा उसमें पुट सेल कर देना। इस टाइप का स्ट्रेंगल आजकल बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही प्लान आज मेरा इसमें था मिड कैप निफ्टी में। आप थोड़ा ध्यान से समझिए, गैप अप खुला, मैं वेट किया, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि जिसका एक्सपायरी है इंडेक्सेस उसके मैं फोकस करता हूँ मैं, ठीक है, और इस पे ट्रेड अच्छा मिलता भी है। ऊपर खुला 40 के आसपास, आई भी तो नहीं रहा, लगभग 35 के आसपास ओपन हुआ, तो मैंने इसमें 1,000 क्वांटिटी का स्ट्रगल बना दिया, ठीक है। स्ट्रगल बनाया मैं, माफ करना, स्ट्रेंगल बनाया मैं 10,950 का मेरे पास कॉल था एंड 10,850 का मेरे पास पुट था, 75 का पुट था, 10,875 का पुट था, ठीक है। तो ये जब नीचे आया तो पुट को और ऐड कर दिया, और ये ट्रेड मैंने आप लोगों को भी बताया कि यहां से अब इसमें चूंकि प्रीवियस डे के हाई के आसपास आ गया है, सपोर्ट बनना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए,
ऊपर गया, पुट में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। जब स्पाइक आया कैंडल में तो मैंने कॉल ऐड कर दिया, और ये भी मैंने आप लोगों को बताया टेलीग्राम चैनल में, सब लोग चेक कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, ठीक है। ज्वाइन नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है फ्रेंड्स, आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। तो देखिए इसके बाद इस रेंज में रहा, मुझे लगा था धीरे धीरे शायद ऊपर चले जाएगा फिर इसी रेंज में क्लोज कर जाएगा। ये जो मूवमेंट आया ना, ये जो स्पाइक आया नीचे की तरफ, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास 4000 क्वांटिटी पुट था, 4000 या 4100 क्वांटिटी मेरे पास पुट था। इसके ये जो नीचे आ रहा था ना, इससे पहले मैंने यहां पर क्वांटिटी थोड़ा क्लोज कर दिया था, क्योंकि इसका भाव 4 रुपया आ गया था पुट का, ठीक है। तो जब ये नीचे की तरफ आ रहा था मैं बोला कट कर देता हूं, यहां पर मैं ऐड कर लूंगा। चांस मिला नहीं ऐड करने के लिए, मेरे पास 2000 क्वांटिटी ऑलरेडी था। इतना बड़ा नीचे आया, क्योंकि इसी टाइप का मोमेंट एक दिन निफ्टी में भी आया था, निफ्टी के एक्सपायरी दिन आप लोगों को याद होगा, ठीक है। मैंने निफ्टी में भी इसी टाइप का प्लान किया था, यहाँ शॉर्ट किया फिर नीचे आ गया और नीचे गया था, मेरा उस दिन नुकसान भी हुआ था। तो देखिए इस टाइप का ना स्पाइक आजकल एवरीडे हमें देखने को मिल रहा है, और एक दो दिन के लो के नीचे आ गया था तो मुझे यहाँ पर मजबूरी में कट करना पड़ा। और जब ये वापस आया मेरे दिमाग में था कि ये ना रिवर्स हो जाएगा, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब ये रिवर्स होने लगा तो मैं यहाँ पर फिर से स्टर्ट बनाया, क्योंकि आईबी ना फिर 48 चला गया था। मैं इसको देख रहा था और मैं इसका स्टर्टल बनाया था 10825 का, मैं आपको शो करना चाहूंगा, ठीक है। थोड़ा सा बेड लक हो गया कि ना कॉल सेल हो गया और पुटी सेल नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं शेयर करता हूँ, फिर पीएल भी शेयर कर दूंगा, मैं आप लोगों को टाइम शेयर कर देता हूँ पहले। देखिए ये सब लर्निंग है, आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा, और इसके बाद मैं एक दिमाग और लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्यूचर में मैं करूँगा। देखिए 1:25 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वापस आइए चार्ट में, इसमें ऑर्डर में 1:25, देखिए शुरुआत से मैंने पुट शॉर्ट किया था यहाँ पर, ठीक है। इधर मैंने पुट भी ऐड किया था, मैं ठीक ठाक प्रीमियम में इसको सेल किया था, राइट। 35 तक मैं पुट को सेल किया था। इसके बाद देखिए 1 बजे के बाद 1:41:42 में, ठीक है, जब प्राइस यहाँ आ गया था इधर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 1:35 के आसपास, तो जब इधर आ गया था मार्केट, तो मैंने यहाँ पर ना स्ट्रगल बनाने की कोशिश किया था। कहाँ गया, 2 टर्मिनल है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्ट्रगल बनाने की कोशिश किया था, ये मेरा कॉल तो सेल हो गया, कितना 3750 क्वांटिटी, मेरा पुट सेल हुआ नहीं और मार्केट चला गया ऊपर। फिर ये ना जाके कट हुआ कहाँ पर, देख रहे हैं, ये जाके कट हुआ मेरा 50 रुपीज में, ठीक है। अगर ये सेल हो गया होता तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉफिट रहता, मुझे नुकसान होता ही नहीं, और इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट रहता, क्योंकि 3700 क्वांटिटी और प्रीमियम कितना था, दोनों का प्रीमियम बहुत बढ़िया था, 28 रुपये था, और ये जो ये प्रीमियम था ये लगभग 29 रुपये के आसपास चल रहा था, तो मुझे नुकसान होता ही नहीं। 48 का आईवी था, मैं बहुत ट्रेड करता हूँ, ये आईवी ना 30 के आसपास इमीडिएट आ गया है, इमीडिएट 30 के आसपास आईवी आ गया है, मतलब 20 पॉइंट आईवी गिरने पर लॉट ना 2000 आसपास मुझे ट्रेड मिला होता, तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट में रहता। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा नुकसान में रह गया, लगभग 1 लाख रुपए आज मुझे नुकसान हुआ ये ट्रेड नहीं होने के कारण, अदरवाइज इसमें मैं प्रॉफिट में रहता, क्योंकि ये ट्रेड मैं इसमें छोटे वाले डीमैट में बनाया था, और ये छोटे वाला क्योंकि मैं दोनों देखिए इसमें टोटल मिड कैप निफ्टी था, तो इसमें प्रॉफिट में आया क्योंकि इसमें ट्रेड हो गया, उसमें ट्रेड ही नहीं हुआ मेरा, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा इसमें आज नुकसान हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं ना कि आजकल स्पाइक में ना ट्रेड करना है, आप बिलीव नहीं करेंगे, फिर एक पॉइंट बोलूंगा, मैं इस स्पाइक में सब जितने लोग लाइव में ट्रेड कर रहे थे मैं सबको बोल रहा था अगर स्पाइक में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे तो इस मार्केट में पैसा नहीं बनेगा आपका, फिर भगवान जाने कौन पैसा कमाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर स्पाइक में आप ट्रेड करें तभी आपको पैसा मिलेगा। तो इसमें अगर यहां पर मेरा ट्रेड हो गया होता, ठीक है, यहां पर अगर मेरा ट्रेड हो गया तो मैं डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट में रहता, या फिर ना पूरा दिन इंतजार करो, शांति से बैठे रहो, जिधर स्पाइक आए उधर का कॉल, मतलब ऊपर आया तो कॉल सेल करो। देखिए कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, सपोज करो देखिए एक लॉट में ट्रेड नहीं बनता है, अगर आपके पास मल्टीपल लॉट ट्रेड करने का कैपिटल है तो आप इसमें प्लान कर सकते हैं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा नुकसान आजकल उन लोगों को हो रहा होगा जिनके पास कैपिटल बहुत कम है, 2 लाख या 3 लाख कैपिटल है, और उन लोग स्ट्रगल बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, उन लोगों को बहुत नुकसान हो रहा होगा ऐसा मुझे लगता है। तो छोटे ट्रेडर्स का ना ये मार्केट नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसे मल्टीपल टाइम में ट्रेड करता हूँ तो थोड़ा प्रॉफिट आता है, अदरवाइज नुकसान हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर स्पाइक आए तो पहले 75 प्लॉट है तो 75 क्वांटिटी ऐड करो, फिर ऊपर चला गया थोड़ा तो और 75 क्वांटिटी ऐड करो, अगर 40 से आप सेल कर रहे हो तो 50 में ऐड कर सकते हो, 60 में ऐड कर सकते हो, 70 में ऐड कर सकते हो, इस टाइप का, ठीक है। नो डाउट कि ऊपर जाएगा तो नुकसान होगा, तो कहीं पर नुकसान अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं कट करके निकलेंगे, लेकिन स्पाइक में
अगर आप इस कैंडल में ट्रेड कर रहे हैं, इस कैंडल में ट्रेड करें तो मुश्किल है, या फिर इस कैंडल में ट्रेड करो। ये जो मोमेंट आया पता है 2 मिनट में आया है, ये केवल 2 मिनट का मोमेंट है। मैं अगर 1 मिनट के चार्ट शेयर करूं आप लोगों को देखेंगे, सिर्फ 2 मिनट का मोमेंट है, पहला मिनट और दूसरा मिनट, इसके बाद मोमेंट ही नहीं है मार्केट में। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम ऐड कर दो, जहां से भी रिवर्सल दिखे ऐड करो, और फिर मार्केट में आपको बहुत, अगर आप यहां पर शॉर्ट कर रहे हैं पुट, ठीक है, पुट शॉर्ट कर रहे हैं, स्पाइक में ट्रेड डाले हैं, वापस आ जाएगा ना, तो भी आपका पुट आधा ही गिरेगा, मतलब माफ करना आधा ही बढ़ेगा, पूरा नहीं बढ़ेगा। मैं स्पाइक की बात कर रहा हूं, अगर स्पाइक में टॉप में आप ट्रेड कर पा रहे हैं तो, और अगर कंटिन्यू देख पा रहे हैं तो, और इस टाइप का ही ट्रेड आजकल हो रहा है। इसी टाइप का एक दिन निफ्टी में भी हुआ था, जिस दिन मैं ट्रेप हुआ था आप लोगों ने देखा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि निफ्टी भी इसी तरीके से मूवमेंट आया था यहां पर। मैं 5 मिनट का चार्ट शेयर करता हूं, आप जरा देखिए, ठीक है, ऐसे यहां पर मैं इंतजार करता हूं, स्पाइक में ट्रेड करता हूं, और उस दिन यहां पर मेरा नुकसान हुआ था क्योंकि कॉल भी बहुत फास्ट मूवमेंट किया था। तो बोथ साइड इस तरीके का मूवमेंट कम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन अगर इसी कंडीशन में मेरा नीचे की तरफ ही बहुत बड़ा क्वांटिटी में मैंने ट्रेड बनाया हुआ था यहाँ पर 4,000 क्वांटिटी में, स्पाइक के कारण नुकसान हुआ, लेकिन अगर इस स्पाइक में मेरा शॉर्ट हुआ होता तो ऊपर जाने पर भी मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट में रहता। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आजकल ना दिन भर शांति से बैठे रहना चाहिए, मगजमारी करने से पैसा वैसे बनता नहीं है। जब स्पाइक आए उस डायरेक्शन का ट्रेड प्लान करो, क्योंकि आजकल मार्केट ऐसा ही है। तो अगर मार्केट ऐसे ही मूव कर रहा है तो ऐसे प्लान करना चाहिए, ठीक है। ऐसे मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी उतना इसमें कोई बहुत बड़ा सफलता मिला नहीं है। मिल जाएगा तो थोड़ा बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, बट इस टाइप का मार्केट में मूवमेंट अभी देखने को मिल रहा है, तो मैं इस टाइप का प्लान करूंगा। और मुझे लगता है अगर मैं कोशिश करूंगा तो एक आध दिन बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है अपने को, बट ठीक है। तो अभी क्या करेंगे इस मार्केट में, अभी हमारा क्या प्लान होना चाहिए, चलिए इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, चलिए डिटेल बात करते हैं। देखिए कुछ चीजें आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर ये हवा हवाई बातें हैं, बट अगर आप डीपली जाके देखेंगे ना तो मार्केट ऐसे हो रहा है। अगर आप डीपली देखेंगे तो मार्केट ऐसे हो रहा है, क्योंकि एक डायरेक्शन में मार्केट मूव सिंगल वे में तो नहीं दे रहा है, ठीक है। कई बार ऊपर नीचे होके मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है मार्केट की कंडीशन को देख के हमें ट्रेड प्लान चेंज करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा। मैं कर रहा हूँ, जैसे 2:30 बजे ट्रेड प्लान करता हूँ, 1-2 दिन नुकसान हुआ, इसके बाद अभी लगातार प्रॉफिट दे रहा है, और इसी वजह से नुकसान ज्यादा भी था तो थोड़ा कवर हो जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है अपने को, ठीक है। चलिए आगे डिटेल बात करते हैं। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड करेंगे, मैं कहूंगा कल फिनेंस निफ्टी का एक्सपायरी है, ठीक है, तो 15 मिनट का चार्ट ले आओ, और पहले तो ना इस लो को बहुत कंसिडर करो, ध्यान रखो, ठीक है। अगर बाजार ए 48,640 के ऊपर ओपन हो रहा है तो मैं कहूंगा इसी में बाजार में अपर साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए, ठीक है, और इधर का लो का स्टॉप लॉस डालना चाहिए, ठीक है। तो अपर साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मुझे लगता है ये 49,000 का भाव कल देख सकता है, हायर साइड ही जा सकता है, ठीक है। अगर ये फ्लैट खुल माफ करना अगर ये 48,640 के ऊपर ओपन हो रहा है तो ऑल टाइम हाई के आसपास ओपन हो रहा है तो फिर मैं वेट करूंगा नीचे आने का, जिसमें 150-200 पॉइंट नीचे आ जाए, फिर नीचे से प्लान कर सकते हैं अपर साइड ट्रेड प्लान करने का, ठीक है। ये विद इन मिनट भी हो सकता है, ओपनिंग हो और तुरंत वापस रिवर्स हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर ये इस लाइन को ब्रेक कर रहा है तो मुझे लगता है ना कि ये भाव थोड़ा नीचे की तरफ आपको मिल सकता है इधर, ठीक है, मतलब 48,400 के आसपास भी मिल सकता है, 350 के आसपास भी मिल सकता है, लेकिन नीचे से ना इसमें बाई का ही प्लान होना चाहिए। तो अगर ये ब्रेक डाउन कर रहा है इस रेंज के नीचे, बड़े वाले कैंडल के नीचे आ रहा है स्मॉल टाइम फ्रेम में 15 मिनट में, अगर नीचे आया तो पहले आने देंगे, कोई एक सिंगल कैंडल का रिवर्सल में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, केवल सिंगल कैंडल का रिवर्सल में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कोई भी ग्रीन कैंडल दिखेगा हम लोग अपर साइड से बाई का प्लान कर सकते हैं। ध्यान रखना अगर नीचे आ रहा है मार्केट, ठीक है, अगर नीचे आ रहा, सपोज करो इस लाइन के नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है, ये नीचे आएगा, एक सिंगल कैंडल का रिवर्सल में आपको ट्रेड मिल जाएगा, बहुत बढ़िया ट्रेड हो सकता है, नजर रखिएगा कल, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो, ठीक है। इसी टाइप का निफ्टी में, तो निफ्टी में एक लेवल नोट कर लो, ये भाव 22,621, ठीक है, 22,621 अगर इस भाव में मिलता है, ठीक है, ये सपोर्ट बनना चाहिए मुझे लगता है, इस भाव में मिलेगा तो अपर साइड का ट्रेड आपको बन सकता है, 700 का टारगेट आपको मिल सकता है, 22,700 के आसपास मार्केट जा सकता है कल के दिन पे, नजर रखिएगा। नीचे से ट्रेड प्लान करेंगे, अगर इसी वे में ऊपर ट्रेड प्लान करते हैं तो मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा। इसके ऊपर अगर मान लो कि 700 के ऊपर है, छोड़ दो, दूसरे इंडेक्सेस को चेक कर लो, इसमें ट्रेड प्लान करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस फिर बहुत बड़ा लगेगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस मुझे नहीं लगता है कि जस्टिफाई होगा ट्रेड के लिए, क्योंकि उतना बड़ा टारगेट अपर साइड मिले ना मिले पता नहीं, ठीक है, तो ऐसा प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कल मिड के माफ करना फिनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है, फिनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है, पहले डेली चार्ट देख लेते हैं, ये भी ऑल टाइम हाई में है। मैं थोड़ा चार्ट को ऊपर कर लेता हूँ, ये सब चार्ट को मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि मुझे सपोर्ट मिल जाए इसमें, ठीक है।
सपोर्ट के लिए देखिए लोअर साइड में 500 के आसपास बहुत बढ़िया सपोर्ट है। तो अगर मार्केट मुझे थोड़ा नीचे मिल जाए, सपोज करो इस लाइन के आसपास मिल जाता है, तो हम लोग इसमें ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 550 में ध्यान रखिएगा, अगर ये 550 के आसपास मिल रहा है, 50 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूँ, तो मैं शॉर्ट करूंगा 21,500 का पुट, थोड़ा OTM पुट करूंगा, प्रीमियम जरूर कम मिलेगा। ठीक है, अगर ये 500 पे आ जाता है तो ऐड कर लेंगे, 500 से इसमें रिवर्सल का प्लान है, या 500 मिल जाता है तो मॉर्निंग से ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्सल में फिर ऊपर की तरफ जाके इस तरीके से मार्केट क्लोजिंग कर सकता है। तो मुझे लगता है इसी टाइप का चार्ट बन सकता है इसमें। ठीक है, तो अगर ये नीचे मिलता है, ठीक है, अगर ये नीचे मिलता है तो हम लोग पहले 500 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं रिवर्सल का प्लान करके। ठीक है, ऊपर जाएगा तो कॉल सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इसी टाइप का सेटअप बनना चाहिए इसमें। अपर साइड में एक रेजिस्टेंस और है कल के दिन में, तो ए पॉइंट हम लोग और रेजिस्टेंस डाल सकते हैं इसका 650 का। तो अगर मान लो कि इस भाव में ओपन हो रहा है, ए इस भाव में ओपन हो रहा है और ये भाव है 625 का, 21,625 का, तो 75 के आसपास तक का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो फिर इधर का लोअर साइड का सपोर्ट, तो बाजार शायद इसी रेंज में रह जाए दिन में। जैसे अभी मैंने थोड़ा देर पहले बोला, दिन में कोई एक स्पाइक का वेट कर सकते हैं, अगर ऊपर स्पाइक आए तो कॉल सेल कर सकते हैं, नीचे स्पाइक आए तो पहले पुट सेल कर सकते हैं, फिर रिवर्सल का उम्मीद करेंगे। ठीक है, तो दिन में थोड़ा इंतजार जरूर करिएगा, स्मॉल टाइम फ्रेम में चेक करिएगा, 5 मिनट में ज्यादा बेटर रहेगा, 5 मिनट में फिर 1 मिनट में, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा आप लोगों को ट्रेड मिल सकता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में, मुझे लगता है ये 550 के आसपास मिलना चाहिए, तो हमारे लिए ट्रेड ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और 624 के ऊपर ओपन हो रहा है जैसे अभी दिख रहा है यहाँ पर, तो धीरे धीरे करके अपर साइड जा सकता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन के मार्केट थोड़ा नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो मार्केट में देखते हैं कल किस तरीके से मूवमेंट आता है। मैं ज्यादा एग्रेसिव नहीं हूँ इसमें, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें साइडवेज जैसा मूवमेंट मिल सकता है, या नीचे मिल जाए तो भाई ऊपर मिल जाए तो शॉर्ट का प्लान हम लोग इंट्राडे में कर सकते हैं। तो नजर रखिएगा, देखते हैं कल कैसा मूवमेंट मिलता है मार्केट में। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स निफ्टी बैंक निफ्टी के और फिनेंस निफ्टी के ऊपर व्यू। मैं एक स्टॉक आपको शेयर करता हूँ, ये है ब्रिटानिया। आज इंट्राडे में भी मैंने शेयर किया था लड़के लोगों को, जितने लोग लाइव ट्रेड कर रहे थे, कि नीचे से इसमें बाई करना चाहिए, बढ़िया मूवमेंट आया हुआ है और ये रिवर्सल में बहुत अच्छा टारगेट आपको दे सकता है। तो ऑल टाइम हाई के आसपास से जा सकता है, 5400 की तरफ पे मूवमेंट कर सकता है। नजर रखिएगा 4800 चल रहा है, इसी लो के आसपास के स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 4700 के बिलो का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, स्विंग के लिए ट्रेड प्लान किया जा सकता है, 5400 का टारगेट होना चाहिए। बहुत बढ़िया बॉटम फिशिंग हो सकता है, नजर रखिएगा ब्रिटानिया लिमिटेड में। ठीक है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में नजर रखिएगा। चलिए, तो ये रहा फ्रेंड्स आज के वीडियो में भी और मेरा लॉजिक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।